वही जैसे कि शो के नाम से पता चल रहा है कि बॉलीवुड गॉसिप्स है तो वही कॉन्सेप्ट भी बॉलीवुड गॉसिप्स से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बॉलीवुड की नगरी में क्या चल रहा है, क्या खास है बॉलीवुड की दुनिया में, इसके बारे में आपको बता देते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं कि भाई ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें खास बातें हैं बॉलीवुड से जुड़ी हुई। तो चलिए बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं और आज की सबसे खास वाली न्यूज आप तक पहुंचाते हैं। भाई खबरों के मुताबिक हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, अपने इंडियन आइडल 12 के जो सेट पर ना फिर से नजर आने वाले हैं पवनदीप राजन और आशीष कुलकर्णी। भाई बीते दिनों दो हफ्ते ऐसे हो गए हैं कि भाई इंडियन आइडल के सेट में ये दोनों नजर नहीं आ रहे क्योंकि ये दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। लेकिन आने वाले एपिसोड में ये नजर आने वाले हैं सेट्स को संभालते हुए क्योंकि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और ये फिर से वापस आ गए हैं अपने स्टेज को संभालने के लिए। तो भाई सबसे पहले तो इन दोनों को कंग्रेचुलेशन बोल देते हैं क्योंकि भाई इनके बिना ना शो बिल्कुल ही ना ठंडा ठंडा सा लग रहा था। अभी लास्ट वीक जो मैंने शो देखा था ना मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। भाई फिर भी जो शो में रौनक लगाते हैं ना उनकी तो एंट्री के साथ ही पता चल जाता है कि भाई प्रोग्राम में चार चल लगने वाले हैं। तो भाई आने वाले एपिसोड को मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक्साइटेड ये भी बताने के लिए हूँ कि अगली न्यूज में क्या है। भाई अपने सल्लोमिया दबंग बॉय सलमान खान, जी हाँ वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भाई कोरोना का दौर चल रहा है, इस दौर में मुंबई की जितने भी इंडस्ट्रीज हैं काफी बंद कर दी गई हैं। तो भी बॉलीवुड के काफी ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो इस कोरोना के दौर में भी एकजुट हैं। तो इसी बीच नंबर वन लिस्ट पर जिनका नाम आ रहा है वो अपने हैं सल्लू मियां। हाल ही में उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो में वो खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। भाई आपको बता देती हूँ कि ये जो उन्होंने खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं ये खाना उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए ऑर्डर किया है। आपको बता देती हूँ कि 5000 पैकेट्स उन्होंने ऑर्डर किए हैं और उस खाने को टेस्ट करते इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो ये चेक कर रहे हैं कि खाने की क्वालिटी जो है वो डाउन तो नहीं है, खाने की क्वालिटी अच्छी है क्योंकि जिनको खाना खिलाना है उनको अच्छा खाना मिले, ये सल्लू मियां का अपना ही ओपिनियन है। तो भाई इसी बीच अगली भी खबर आपको बता देते हैं हमारी बॉलीवुड की आज की लास्ट खबर क्या कहती है। तो भाई जनाब, तो भाई आप सभी जानते हैं कि भाई कोरोना काल चल रहा है, इसमें चारों तरफ आपको मायूसी नजर आ रही है, कहीं भी लोग अपनी खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसी बीच हमारे जो टीवी के काफी ऐसे सीरियल्स हैं जो रुक भी गए हैं, है ना, और शूटिंग भी रुक गई है उनकी। लेकिन आपको बता देती हूँ कि भाई एक फिर से धमाकेदार एंट्री होने वाली है। Amazon Prime Video पर एक शो आने वाला है जिसका नाम है लोल हंसे तो फंसे। भाई इस शो का टीजर जो है वो रिलीज हो चुका है और टीजर काफी ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि लोगों ने इस टीजर को देखकर काफी ज्यादा खुशी महसूस की है, उन्होंने इस टीजर को देखते ही काफी लाइक किया है। आपको बता देती हूँ कि ये कॉमेडी शो आपको देखने को मिलेगा 30 अप्रैल को Amazon Prime Video पर। भाई मिस मत कीजिएगा। और एक और खास खबर आपको इस शो से जुड़ी हुई आपको बता देती हूँ, कभी इसमें कॉमेडी की मिसाल देने वाले और आपको कॉमेडी के साथ एंटरटेन करने वाले सुनील ग्रोवर इस शो में नजर आने वाले हैं। तो भाई मैं तो 30 अप्रैल को इसको बिल्कुल भी नहीं मिस करने वाली क्योंकि ये शो मैं जरूर देखूंगी जिसका नाम है लल हंसे तो फंसे। तो भाई नाम से पता चल रहा है कितना एंटरटेनिंग होने वाला है ये शो। तो भाई आज का शो आपको हमारे वाला कैसा लगा है ये आपने जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फिलहाल वक्त हो चुका है ढेर सारी बातों को यहीं पर रोककर आपसे इजाजत लेने का। जाते जाते भाई जना आपको यही कहना चाहते हैं कि भाई फेस को कवर करके ही घर से बाहर निकलिए, अगर जरूरी काम है तभी घर से बाहर जाइए, अदरवाइज घर पर ही रहिए क्योंकि घर पर रहेंगे तो सेफ रहेंगे अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। यही था आज का हमारा ज्ञान और यही था आज का हमारा शो। देखते रहिए यस टीवी, मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ धमाकेदार एंट्री के साथ।